भी राइट स्टार्ट कर चुके हैं श्री गणेश जी का नाम लेकर, ओम श्री गणेशाय नमो नमः, रक्षा करना ईश्वर। चाहे राइड कैसी भी क्यों ना हो, बस रक्षा करना। चलो जी चलते हैं। अपने शहर से निकल रहे हैं, राइड कैसी होने वाली है तो रवि जानता है। बाकी आप लोग से एक बात पूछना भूल गए कि हाल चाल है भी सारे दे चंगा तुसी चंगे था अस्सी भी चंगे। देखो जी प्लान तो सारे राइडर्स का एक ही रहता है कि सवेरे सवेरे निकल जाना, पर एज यूजुअल अगर सवेरे निकल गए तो राइडर कैसे रहेगा, कहीं ना कहीं लेट करते ही है, लेट होते ही है। मैं हर चीज़ जल्दी करने के बाद भी लेट हो गया एंड राइट नाउ इट्स 6:42 और मैं सोचा था कि 6 बजे तक अपना शहर छोड़ दूंगा और पता नहीं क्या हो रहा है यार मेरे साथ। जी हम निकल चुके हैं अपनी मंजिल के लिए और बीच में रुके हैं धूमा, छाछ पियेंगे और नाश्ते में था पोहा और आलू बोंडा। तो यार मेरे को सुबह सुबह उतना खाने का मन नहीं किया तो मैंने एक से आलू बोंडा ले लिया और एक छाछ ले लिया कि थोड़ा फ्रेश लगे, क्योंकि उसके बाद गाड़ी सीधा खींचेंगे जबलपुर तक एक बार में, फिर जबलपुर से दमो से छतरपुर, छतरपुर से खजुराहो। सो लेट्स सी क्या होता है आज। आराम से टाइम टू टाइम निकलना है, अभी टाइमली चल रहा है एकदम, गाड़ी नॉर्मली अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है गाड़ी भी, तो फटाफट खाते हैं और निकलते हैं। अच्छा वैसे आप आलू बोंडा भी देख लो। दिस इज शिवारे होटल। अगर आप नागपुर टू जबलपुर या सिवनी टू जबलपुर जाओगे तो बीच में धूमा के बाद आता है खाना, मतलब यहाँ का आपको अगर खाना वाना खाना है या फिर नाश्ता करना है, अच्छा बहुत अच्छी जगह है, रिकमेंडेड है, आओ खाओ पियो कंटिन्यू। छाछ पी का बड़ा अच्छा लग रहा भाई। नाश्ता डन, अब निकलते हैं जबलपुर पहुंचते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। चलो तो रीच जबलपुर, तिलवारा घाट और नर्मदा जी है, नर्मदा नदी है, फर्स्ट राइड है तो बात ऐसी है कि मैंने चाचू से बात किया था इस चीज़ के लिए कि खजुराहो जाना तो किस रूट से जाऊं, वाया कटनी होते हुए जाऊं या दमोह छतरपुर होते हुए जाऊं। तो चाचू ने बोले कि कटनी वाला जो रूट है ये थोड़ा ख़राब है, तो इट्स बेटर कि आप दमोह होते हुए छतरपुर होते हुए फिर निकलो। तो हम उसी रूट में आ गए, दमोह वाले रूट में ही हैं। देखो जी दिक्कत से एक है कि ऐसे कैम 4000 में जो माइक है वो फिट नहीं होता, वो जो आवाज़ सुन रहे हो आप इंटरनल माइक से सुन रहे हो, आई नो थोड़ी नॉइजी है क्योंकि विंड ब्लास्ट भी आ रहा होगा उसमें, पर क्या करें जो बजट में है वही करना है। तो दिस इज़ मिडवे ट्रीट मडगांव और मडकुआ
फ्रॉम मध्य प्रदेश, मतलब एमपी टूरिज्म का है ये वाला मिडवे ट्रीट। अब दिक्कत ये हुई है कि जो खजुराहो का रास्ता है, ये मैं जबलपुर से कटनी पन्ना होते हुए भी जा सकता था, पर मैं उस रूट में इसलिए नहीं गया क्योंकि चाचू ने बोले थे कि वो रोड जो है वो वाली बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये वाली रोड अच्छी है और सही में अच्छी है, मैं चला रहा हूँ, बीच बीच में थोड़ा बहुत होता है यार, ठीक है, इट्स ओके, पर बाकी रोड अच्छी है। तो भूख लग रही थी, कहीं भी बीच में कोई ढंग का होटल नहीं था, सब जगह बस ढाबे 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 ढाबे। तो मैंने कहा यार, मैं वेट कर रहा था कि कहीं भी मुझे एमपी टूरिज्म का जो मिडवे ट्रीट या हाईवे ट्रीट कुछ टाइप का मिल जाए। और इसके पहले जो गांव आया था वहाँ मैंने देख लिया था कि 10 15 या 17 कुछ किलोमीटर दूर है, मतलब खींच लो गाड़ी, यहीं जाके कुछ खाएंगे पियेंगे। तो मैंने अभी ऑर्डर कर दिया हूँ, एक तो ये है मैगी जो मैंने बुलवाया हूँ, दिस इज़ आइस टी, और एक और कुछ बोला हूँ मैंने, वो भी आ रहा है। तो चलो जी, अब निकला जाए और फटाफट पहुंचा जाए, मिलते हैं आपसे रास्ते में। तो हम लोग छतरपुर आ चुके हैं अभी, और अभी तो खजुराहो है 45 किलोमीटर, तो अपने को लेना है राइट।